नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश मैकेनिक आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि बजाज की NS160 बाइक जो कि काफ़ी पावरफुल बाइक कहलाती है उसकी क्लच प्लेट की फिटिंग किस तरीके से की जाती है। तो दोस्तों आज ही मेरे पास बाइक आई है बजाज पल्सर NS160 जो कि यह सर्विस के लिए आई थी। जब मैंने इसकी ट्रायल ली तो मुझे पता लगा कि इसकी क्लच प्लेटें भी खराब थी, तो मैंने कस्टमर को इसके अंदर क्लच का काम बताया, इसलिए वो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर NS160 की क्लच की फिटिंग किस तरीके से करी जाती है वो आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। तो दोस्तों मैंने इसका ऑयल निकाल लिया है और क्लच कवर के नट भी खोल लिए हैं ताकि आपको बताने में आसानी हो और वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो। तो हम शुरू करते हैं और फटाफट से इसका क्लच खोलते हैं और फिर आपको बताते हैं कि इसकी फिटिंग किस तरीके से करें जिससे इसकी क्लच की लाइफ बनी रहे। दोस्तों मैंने इसके क्लच कवर खोलने के बाद इसकी क्लच असेंबली के 10 नंबर के बोल्ट मैंने खोल दिए हैं और इसकी स्प्रिंगों को निकाल दिया है। अब हम इसके अंदर कूलर लगाएंगे और फिर इसका नट खोलेंगे। तो दोस्तों इसके अंदर आप हीरोंडा स्प्लेंडर बाइक का क्लच का कूलर भी लगा सकते हैं जो कि इसमें आसानी से बैठ जाता है। तो हम हीरोंडा का इस तरीके का टूल आता है क्लच कूलर जो हम 100 cc बाइक में यूज़ करते हैं, उसको हम बजाज की इस गाड़ी में भी लगा सकते हैं क्योंकि वो बिल्कुल एक्यूरेट बैठता है। तो हम इसको लगाते हैं और फिर इसको खोलते हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि इसके क्लच कवर क्लच असेंबली का जो नट होता है उसमें इसकी उल्टी चूड़ी होती है, यानी जब आप इसको क्लॉकवाइज खोलेंगे, जब ये खुलेगा और एंटी क्लॉकवाइज इसे कसेंगे तो ये टाइट होगा। तो इसको हमें उल्टी तरफ खोलना है, यानी इस तरफ से। दोस्तों इसके क्लच के अंदर दो वाशर निकले हैं नट के नीचे, तो हमें इसे सावधानी से ध्यान रखना है और हमें इस होल्डर को पकड़ के पूरी असेंबली को बाहर लेना है। ये हमारी क्लच असेंबली पूरी बाहर आ गई है। इसके पीछे की तरफ एक प्लेट वॉशर होता है जो कि काफ़ी मोटा होता है, इसलिए हम इसे वापस कटोरे में लगा देते हैं क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है। ये हमारी क्लच असेंबली है, इसी में प्रॉब्लम आ रही थी, इस वजह से गाड़ी का पूरा RPM लेने के बाद भी गाड़ी 15 से 20 की स्पीड पे चल रही थी, यानी गाड़ी भाग ही नहीं रही थी। अब हम इसको खोलते हैं और देखते हैं इसमें क्लच प्लेटों के साथ और क्या क्या चीजें डैमेज हुई है। ये हमारा हब है, क्लच हब, ये इसकी क्लच प्लेट है, पूरी तरीके से जल चुकी है, आप देख सकते हैं इसमें लाइनें भी पड़ चुकी है। और ये इसकी प्रेशर प्लेट, दोस्तों ये हीट करके हीट खा चुकी है और इस पर लाइनें भी आ चुकी है, तो हम इसे भी चेंज करेंगे। और ये हमारा क्लच सेंटर, आप देख सकते हैं ये भी कट चुका है क्योंकि इस पर भी निशान आ चुके हैं, तो हम पूरी क्लच असेंबली ही इसकी चेंज करेंगे जिससे गाड़ी का पिकअप पहले जैसा हो जाएगा और गाड़ी को दौड़ाने में और चलाने में मजा आएगा। दोस्तों हमने इसकी क्लच असेंबली खोल ली है और हमने जब इसकी बारीकी से जांच करी तो हमने इसके अंदर देखा कि हमारा जो ये क्लच सेंटर है इसके ऊपर लाइनें पड़ चुकी है, आप देख सकते हैं ये कट चुका है। दोस्तों अगर इसे हम चलाना चाहेंगे तो चल जाएगा, लेकिन ये वापस से क्लच प्लेटों को खराब कर देगा, इसलिए हम इसे रिप्लेस करेंगे। इसके साथ ये क्लच हब है दोस्तों, ये भी कट चुका है। और इसकी क्लच प्लेटों के साथ दोस्तों इसकी ये प्रेशर प्लेट होती है लोहे की जो क्लच में दबाव का काम करती है, क्लच प्लेटों को पकड़ के और छोड़ने का काम करती है। इन पर भी लाइनें पड़ चुकी है और ये हीट हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं इन पर भी लाइनें पड़ चुकी है। तो हम पूरी क्लच असेंबली चेंज करेंगे। और दोस्तों जब भी आप किसी बाइक में क्लच असेंबली का या क्लच प्लेट का काम करें तो उस कंपनी के जेन्युइन पार्ट का ही यूज करें जिससे उसकी लाइफ ज्यादा हो जाती है। तो मैं आपको दिखा देता हूं इसकी क्लच प्लेटों के अंदर कितना खर्चा आने वाला है। दोस्तों इसकी ये बजाज की ओरिजिनल क्लच प्लेट है, इसके अंदर आप देख सकते हैं ये 826 रुपये MRP है। साथ में इसकी ये प्रेशर प्लेट जो कि क्लच प्लेट से काफी सस्ती है, ये 229 रुपये की है। और इसका ये क्लच हब, ये 298 रुपये का है। और साथ में ये इसका क्लच सेंटर जो कि 179 यानी 180 रुपये का है। तो हम इन चारों आइटमों को चेंज करेंगे
तो पहले इनको बाहर निकालते हैं और इनको सेट करने में भी दोस्तों एक चीज का विशेष ध्यान रखना होता है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्लच सेंटर हब और प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट को जब कटोरे के अंदर इंस्टॉल करते हैं तो उसको किस तरीके से फिट करें जिससे उसकी लाइफ बढ़ जाती है। तो सबसे पहले हम इनको फाड़ लेते हैं और इनको बाहर निकाल लेते हैं और इन खराब को हम साइड में रख देते हैं। दोस्तों आपको मैं दिखाता हूं, ये हमारा क्लच हब है, इसके अंदर एक बिंदु बना हुआ होता है, आप देख सकते हैं इसके ऊपर बिंदु बना हुआ है और इसी तरीके का क्लच सेंटर के ऊपर भी बिंदु बना हुआ रहता है। ये देखिए, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं दिखा देता हूं, ये देखिए ये बिंदु बना हुआ है। तो दोस्तों जब भी हम क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट को जब हम इन दोनों के अंदर इंस्टॉल करेंगे तो हमें बिंदु को आपस में मिलाना है, यानी हब का ये बिंदु और सेंटर का ये बिंदु दोनों को एक सीक्वेंस में रखना है जिससे क्लच प्लेटों की लाइफ बढ़ी रहेगी। इस तरीके से ये बिंदु से बिंदु मिल चुका है तो अब हम इसके अंदर लगाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हब के अंदर एक क्लच प्लेट और एक प्रेशर प्लेट। दोस्तों प्रेशर प्लेट में भी एक एक मुंह इसका टेपर होता है और एक मुंह थोड़ा पैना सा होता है। जो पैना या तीखा जो मुंह होता है वो हमेशा ऊपर की तरफ रखना है और एक क्लच प्लेट के ऊपर डालते जाना है। अब ये वापस से एक क्लच प्लेट और एक ये प्रेशर प्लेट, वापस से एक क्लच प्लेट और फिर ये प्रेशर प्लेट। दोस्तों ये हमने क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट लगा दिए, अब हम इसको उल्टी तरफ करते हैं और देखते हैं इसका ये बिंदु इस जगह पे है, इस जगह पे है इसका बिंदु। तो हम इसको इसी पोजीशन में रख के और जो हमारे सेंटर का ये बिंदु है, देखिए ये बिंदु दिख रहा होगा मेरे अंगूठे के नीचे, इसको हम इसकी सीध में मिलाएंगे, यानी ये इस तरफ ये बिंदु ये रहा इस जगह और इसका बिंदु ये रहा और इसका बिंदु इस जगह। तो हम इन दोनों को मिलाते हैं इस तरीके से, ये हमारा फिट हो चुका है। अब हम सारी प्लेटों को एक जगह कर लेते हैं। दोस्तों असेंबली तैयार हो गई है, अब हमें इसे एक गाड़ी में इंस्टॉल करते हैं। दोस्तों क्लच असेंबली को लगाने से पहले हमें देखना है कि कटोरे के ऊपर जो मोटा एक सिम वाशर होता है वो लगा हुआ है या नहीं। तो हमने जब इसको हटाया था तो ये वाशर इस असेंबली के साथ लग के आ गया था, तो हमने इस वाशर को हमने इसी में वापस लगा दिया है। अब हम असेंबली के इन दोनों पॉइंटों को पकड़ेंगे जिसके अंदर स्प्रिंगें लगती है और उसको हल्के से गोल गोल घुमा के पुश करके इसके अंदर डालेंगे इस तरीके से। और लास्ट की जो प्लेट है दोस्तों उसको ऊपर की तरफ लाके कटोरे के बीच में छोड़ देना। ये दोस्तों हमारी पूरी फिट हो चुकी है, अब हम इसके अंदर नट लगाते हैं इसका। उससे पहले हम इसका वाशर लगाएंगे, जो कि मैंने आपको बताया था इसमें दो वाशर निकले थे। दोस्तों इसमें एक वाशर मोटा है और एक पतला है, तो मोटा वाशर पहले अंदर जाएगा, उसके ऊपर एक पतला वाशर लगेगा इस तरीके से। अब हम ये नट लगा देते हैं, क्योंकि इसकी चूड़ी उल्टी है तो पहले हमने इसको जब खोला था, जब हम इसको कसने वाली पोजीशन में खोल रहे थे तो ये खुला था, अब हम इसको खोलने वाली पोजीशन में लगाएंगे तो ये कसेगा, यानी हमें इसको वापस उल्टी चूड़ी के हिसाब से इसको बैठाना है इस तरीके से। दोस्तों ये बैठ गया है, अब हम इसको कूलर की मदद से इसको फटाफट से टाइट कर देते हैं। दोस्तों इस नट को हमने कस दिया है, अब हम क्लच प्लेटों को वापस ऊपर की तरफ खींचेंगे जिससे ये लॉक हो जाएगी। दोस्तों ये लॉक होने के बाद ही हमें इसके अंदर स्प्रिंग और प्लेट लगा के बोल्ट लगाना है। इसमें कई बार ऐसा होता है कि क्लच प्लेटें हल्की सी अंदर पुश होकर दूसरी तरफ लग जाती है, तो हमें इसको इस तरीके से समझ लेना चाहिए कि जब ये इस तरीके से फ्री घूम रहा है और ये जब हम बाहर की तरफ खींच रहे हैं, अब भी अगर ये हमारा घूमता है तो समझ लीजिए हमारा
सेंटर है वो अभी अच्छे से बैठा नहीं है, तो जब हमारे ये सेंटर हब के ग्रुप के अंदर बैठ जाएगा तो ये घूमेगा नहीं दोस्तों, ये इस तरीके से नहीं घूमेगा, और जब ये नहीं बैठेगा, जब ये इस तरीके से घूमने लग जाएगा दोस्तों, तो हमें इसे अच्छे से ग्रुप में बैठाना है। ये बैठ चुका है, अब हम इसको एक तरफ से खींच के रखते हैं और इसके अंदर इसकी स्प्रिंगें लगा के, इसकी प्लेट लगा के इसको कसते हैं। हम पहले इसके अंदर इसके दो आमने सामने के बोल्ट लगाएंगे, उसके बाद इसके बाकी के दो बोल्ट लगाएंगे। दोस्तों इसको आमने सामने कसना है, क्रॉस में कसना है, ऐसा नहीं है कि एक तरफ से हम पूरा कस दें, नहीं तो ये डैमेज हो सकता है, इसलिए हमें जितना एक तरफ से कसना है उतना ही दूसरी तरफ से भी कसना है। इस तरीके से हमें चारों बोल्टों को आमने सामने कसना है। दोस्तों इसका हम बेरिंग लगाएंगे, यहाँ एक बेरिंग होता है जिससे हम जब क्लच को पुश करते हैं तो वो बेरिंग इन स्प्रिंगों को अंदर की तरफ दबाता है, जिससे क्लच सेंटर और अब खुल जाते हैं और क्लच प्लेटें अपना काम करती है। ये वो बेरिंग है, इसको हम इस तरीके से लगाते हैं और इसको हम चेक कर लिया हमने, इसमें कोई प्ले नहीं है, नहीं तो हम इसे भी चेंज करते हैं, ये ठीक है इसलिए हम इसे चेंज नहीं कर रहे हैं, तो हम इसे लगा देते हैं। दोस्तों अब हमें इसके चैम्बर में इसकी जो गैस्केट थी वो खोलते समय फट गई थी, तो अब हमें उसे फटाफट से साफ कर देते हैं और नई गैस्केट लगा के इसके क्लच कवर को असेंबल करते हैं। दोस्तों यहाँ किकशाफ्ट के ऊपर एक वाशर होता है जो कि आप देख सकते हैं इस चैम्बर में लगा हुआ है, तो हम इस वाशर को वापस किकशाफ्ट के ऊपर लगा देते हैं और ये हमने नई पैकिंग लगा दी है, अब हम इसके अंदर ये चैम्बर इंस्टॉल करते हैं। दोस्तों ये बैठ गया है और बैठने के बाद हमें जो क्लच का जो ये रॉड है इसको हल्का सा पुश करके देखना है, अगर ये चैम्बर बाहर की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारे क्लच के बेरिंग के अंदर क्लच की ठेसी अच्छे से बैठ गई है, यानी हमारे चैम्बर अच्छे से बैठ चुका है, तो आप देख सकते हैं ये बाहर आ रहा है, तो ये बैठ गया है। अब हम फटाफट से इसकी नट लगा देते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। और दोस्तों इसको भी आमने सामने ही कसना है, ये नहीं कि हमें एक तरफ से कस दिए, नहीं तो इससे चैम्बर क्रैक हो सकता है, इसलिए हमें इन बोल्टों को भी आमने सामने इशारे से कसता हुआ जाना है और फिर लास्ट में इसको अच्छे से टाइट कर देना है। दोस्तों अब हम इसके अंदर ऑयल फिल्टर इसका रिप्लेस करेंगे, जब भी हम गाड़ी का ऑयल चेंज करें या क्लच से संबंधित कोई भी काम करें तो हमें हमेशा ऑयल फिल्टर नया ही डालना चाहिए, तो हम वो भी चेंज कर देते हैं। ये हमारा ऑयल फिल्टर है, और दोस्तों हमने इसके ऑयल कूलर के भी बोल्ट खोल दिए थे जिससे क्लच कवर आसानी से बाहर निकल जाए। दोस्तों ये ऑयल कूलर गाड़ी में इंजन ऑयल को ठंडा करने का काम करता है। और जब हमने इसके अंदर नई क्लच प्लेटें इंस्टॉल कर दिए तो आप देख सकते हैं ये क्लच का जो एडजस्टर है ये वापस से पूरा डाउन हो चुका है, यानी एडजस्टर को देख के भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसकी क्लच प्लेटों की लाइफ कितनी है। क्लच को इतना टाइट करना है कि उसके अंदर 10 से 15 mm की फ्री प्ले होनी चाहिए। तो दोस्तों ये हमने कंप्लीट कर लिया है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये हमारी स्टार्ट हो गई है। इस तरीके से आप दोस्तों किसी भी पावरफुल बाइक की क्लच असेंबली की फिटिंग कर सकते हैं, और पावरफुल बाइक्स के अंदर क्लच को लेके ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितनी गाड़ी पावरफुल होती है उसका काम करने का तरीका उतना ही आसान होता है। तो दोस्तों कभी भी पावरफुल गाड़ी को देख के घबराना नहीं चाहिए, हमेशा उसका काम करने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो के द्वारा मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम बजाज की जो पावरफुल गाड़ी आती है जैसे NS 160, 200, 200 NS जो ये पावरफुल गाड़ी आती है उसकी क्लच असेंबली की फिटिंग किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों आगे भी हम इसी तरीके के लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे। चाहेंगे दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो हमारे चैनल पे नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इसे सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय।